अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, मर्द दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मुबई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ग्रैंड कश्मीरी मेहंदी रात सेलिब्रेशन 15 कोर्स वाजवान कश्मीरी वेडिंग। आहा क्या बात है, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत रस्मों की बात की जाएगी तो मेहंदी की रस्म सबसे ऊपर आएगी। मजहब और जात पात के ऊपर है इस मेहंदी का रंग, हर हथेली का शगुन है ये लाल रंग। ये पेचीदा लकीरें नहीं, सात जन्मों का वादा है, जो अकेले तुझको ही नहीं निभाना तुझको भी आधा है। कश्मीर की इस मांझ रात में आपका खैर मकदम है। मेहंदी रात की इस रस्म को कश्मीर में मांझ रात कहा जाता है। मैंने सोचा एक आखिरी बार वाजवान वाले शामियाने में आज के इस मांझ रात की तैयारियों की नजर दे दूं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ कौस बदास, इस कहानी का सूत्रधार। और आज मांझ रात के वाजवान में लगभग 15 जायके परोस गए। वाजों की दिन भर की जबरदस्त मेहनत के बाद वाजवान अपने उरूज पर आ चुका है और सारे जायके लगभग अपनी तैयारी में। वाजे के साथ हमने सारे जायकों पे एक मुख्तसर सी नजर दी। इसे कहते हैं तबक मांस। ये भेड़ के सीने के बड़े बड़े टुकड़ों को देर तक तल के ऊपरी परत कुरकुरी करके परोसी जाती है। ये बोल रहा है धनिया कोरमा, इसको कश्मीर में बोलते हैं धनियोल कोरमा। खाते-खाते जो टेस्ट आता है ना यार, धनिया का पाउडर। इसी हुई धनिया का इस्तेमाल अभी तक मैंने सिर्फ इसी जायके में देखा है, वरना कश्मीर के जायकों का असली मसाला सौंफ। ये रिश्ते और गुश्ताबे के लिए कोफ्ते की शक्ल के गोले भी लगभग तैयार है। रिश्ता सुर्ख लाल और गुश्ताबा दही यानी यखनी के शोरबे में बनाया जाएगा। टमाटर पनीर भी तैयार हो चुका है और हाथ में तड़का जला के थोड़ा और भूना जा रहा है। वाजवान में कश्मीरियों की ये दूध में बनी फेवरेट डिश भी तैयार हो चुकी है। इसे आप गोश्त कहते हैं। सीख कबाब से लेकर कश्मीरी पुलाव और हलवे के साथ भी और भी कुछ जायके रात के वाजवान में परोसे जाएंगे। शाम लगभग हो चुकी है और कहवा और आसमान दोनों पे जाफरानी रंग बखूबी चढ़ चुका था। वाजे ने एक सफेद कप में कहवा डाल के उसके असली रंग से मुझे वाकिफ कराया। गोल्डन जिसे कहते हैं ना, गोल्डन कलर। मुझे लगा अब देर हो रही है, इसलिए मैं वाजों से अलविदा लेकर घर तैयार होने आ गया। तैयार होकर मैं नीचे पहुंचा तो मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। श्रीनगर की इस गुलाबी शाम ने जैसे ही अंधेरे की तरफ रुख किया, जुगनूनुमा रोशनी से घर टिमटिमाने लगा और मेहमानों के ठहाकों से आज के इस जश्न का आगाज हुआ। थोड़ी देर में दूल्हा हल्के सुनहरे कुर्ते पजामे और बूटीदार वेस्टकोट में अपनी बेबाक मुस्कुराहट छलकाते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो माँ ने फौरन माशाल्लाह कहते हुए आंखों की नमी से पेशानी पे नजर बद का एक टीका लगा दिया और बाप ने कांधे पे हाथ रख के बेटे के कंधे को आज अपने बराबर महसूस किया और सीने से लगाकर ढेर सारी मुबारकबाद दी। भाई और भाभी के साथ बहन की खुशी भी उनकी मुस्कुराहट में बखूबी झलक रही थी। थोड़ी देर में मेहंदी की रस्म के लिए दुल्हन के घर जाने की तैयारी होने लगी। चांदी की दो बड़ी बड़ी थालों में कुछ हरी पत्तियों और गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियों के ऊपर खूबसूरत चिरागों के बीचों बीच जड़ाऊ कलश में मेहंदी भर के थालों के बीचों बीच रखा गया और तीसरे बड़े से थाल में मेहंदी के कोन्स और तोहफे के तौर पे ड्राई फ्रूट्स और फलों की टोकरियों के साथ हम लड़की वालों के घर पहुंच गए।
बाहर ही चिरागों को जलाकर ये मेहंदी वाले थाल लेकर बहने अंदर दाखिल हुई। और माँ रस्म के मुताबिक आयतों से नक्काशी वाले इस सुलगते हुए लोबानदान के साथ अंदर दाखिल हुई तो दुल्हन के माँ बाप ने उन्हें हाथों हाथ लिया। माहौल में एक अजीब सी खुशी उठ रही थी। मुलाकात में पाकिजगी के साथ सादगी भी बखूबी दिख रही थी। जब सब लोग एक दूसरे से मिल चुके तो मेहंदी की रस्म के लिए दुल्हन को बुलाया गया। मासूमियत और लज्जा से भरी मगर खुशी को मुट्ठियों में मींचे दुल्हन जैसे ही अपनी बहनों के साथ दाखिल हुई दुआओं और मुबारकबाद का सिलसिला एक बार फिर से चल पड़ा। वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए भाई ने रस्म को आगे बढ़ाने के लिए कहा। मेहंदी के कलश से एक सलाई से माँ ने सबसे पहले दुल्हन की रची हुई मेहंदी वाले हाथों की एक उंगली पर रस्मन मेहंदी की एक छोटी सी लकीर खींची और उसी के ऊपर रिश्ते के हिसाब से बारी बारी सब दुल्हन को मेहंदी लगा दे गए और मुंह मीठा कराते हुए मुबारकबाद भी दे दिए। फिर दूल्हे की माँ ने दुल्हन को वलीमे का जोड़ा कई तोहफों के साथ पेश किया। इस नए घर में शामिल होने की खुशी दुल्हन की आंखें बखूबी बयान कर रही थी और माँ और बहनें अपने इस लगते जिगर की खुशी से खुद की आंखें नम होने से रोक ना पाई। इतने में खाने की कुछ खुशबू सी आई, बाकियों का तो पता नहीं लेकिन मुझे थोड़ा सुकून जरूर मिला। ये हल्का फुल्का नाश्ता करके सबसे मिलके मैं तो दूल्हे की महफिल में वापस आ गया। मैं वापस पहुंचा तो वाजे ने कोविड गाइडलाइंस के तहत इन छोटी तांबे की तरामियों में वाजवान परोसना शुरू कर दिया था, वरना बड़ी सी तांबे की तरामी में कश्मीरी अदब के हिसाब से चार लोग एक साथ इस निहायत ही लजीज वाजवान का लुत्फ लेते हैं। तैयार तरामियों पे सरपोश लगा के एक एक तरामी हर मेहमान के आगे परोस दी गई। वाह वाकई वाजवान जन्नत का जायका। खाने के बाद शामियाने में जश्न का माहौल बनाया जाने लगा। गायकों ने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सेट करके कश्मीरी धुन से इस जश्न का आगाज किया। इस सफेद और नीले शामियाने के बीच एक छोटे से स्टेज पे दूल्हा तशरीफ फरमाया। और कश्मीरी संगीत से इन गायकों ने क्या जबरदस्त और सुरीला समा बांधा हुआ था। दोहरे कालीन और बुखारी से गर्म इस शामियाने में सभी मेहमान कंबल में गांव तकियों पे टेक लगा के गानों की धुन पे थिरकते हुए कहवे की चुस्कियों के साथ इस जश्न का पूरा लुत्फ ले रहे थे। मेहमान आते और सबसे पहले दूल्हे को मुबारकबाद देते और उसी दौरान दूल्हे के दोस्त अपनी खुशी का इजहार दूल्हे के साथ छेड़खानियों से कर रहे थे और दूल्हे के पापा गाने के धुन पे थिरकने के साथ साथ मेहमानों की खातिरदारी पे भी पूरी नजर रखे हुए थे। अंदर से तैयार जाफरानी कहवा कोयलों से भरे इस तांबे के समावार में आता और कतरे हुए बादाम के साथ गर्मा गर्म एक सफेद बोन चाइना के कप में हर मेहमान को परोसा जा रहा था और साथ में ये खस्ता मीठी रोटी भी साथ में दी जा रही थी। इसे कंद कुलचा कहते हैं और इन कहवों के गर्मा गर्म प्यालों का सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहेगा। थोड़ी देर में लड़की वालों के यहाँ से मेहंदी की रस्म मुकम्मल करके सब लोग वापस आ गए और जिस कलश से दुल्हन को मेहंदी लगाई गई थी उसी कलश से दूल्हे को भी मेहंदी लगाई गई और साथ साथ ही दूल्हे के गैर शादीशुदा दोस्तों को भी मेहंदी लगाई गई ताकि उनकी भी शादियां जल्दी हो सके। हंसी मजाक और मुबारकबाद का ये माहौल फौरन एक जश्न में तब्दील हो गया।
खुशनुमा माहौल के हर पल को मैं जी रहा था। पता है खुशी करीब से कैसे दिखती है? जब बाप बेटे के गले में हाथ डाल के चूम के नाचता है तो खुशी करीब से ऐसी दिखती है। लेकिन जश्न का ये माहौल मीठे के बगैर बिल्कुल अधूरा है, इसीलिए आज रात की ये आखिरी रस्म एक कटिंग सेरेमनी शुरू होने जा रही है। गुलाबी रंग का ये गुलाब नुमा केक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बड़ी सी ट्रे में केक को सजाकर दूल्हे के साथ साथ सभी मेहमानों को स्टेज पे आने की दावत दी गई। चिरागों के दरमियान माँ बाप के सहारे से दूल्हे ने केक काटा और सबने दूल्हे का मुंह मीठा कराते हुए मुबारकबाद दी और सभी मेहमानों को ये केक सर्व किया गया। जश्न से पूरा शामियाना एक बार फिर से गूंज उठा और नाच गाने का ये सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहा। मेहंदी रात या मांझ रात की ये जश्न भरी रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। कश्मीर की शादी की ये बेहद खूबसूरत रस्म जायके में तो भले ही अलग है, लेकिन मेहंदी का ये लाल रंग पूरे हिंदुस्तान में यकसा है। मैं जा रहा हूँ अब आराम करने, क्योंकि कल निकाह है यानी शादी का दिन। अपने साथ साथ आपको भी बारात में ले चलूंगा, आना जरूरी है। आपका खैर मकदम। चलें जी, वीडियो खत्म हो गए। सबसे पहले तो भाई साहब, इस भाई का शुक्रिया जिसने इतनी कमाल की वीडियो बनाई और भाई साहब प्यारी भी बहुत कमाल की थी और लोग बड़े सुलझे हुए थे। कोई शोर शराबा या खराबी नहीं देखी, मतलब कोई ऐसा काम है जिससे कोई माहौल खराब हो किसी भी किस्म की। हालांकि कई मेहमान घराने के नहीं, बड़े ऊंचे घराने भाई साहब, ये भी फर्क होता है। ऊंचे घराने में शोर शराबे होते ही है ना, कुछ रिश्तेदार बिगड़ जाते हैं, कुछ रिश्तेदार बिगड़ जाते हैं, झगड़ा कर देते हैं ना रिश्तेदार। इसके जाते हो तो भाई शराब की खराबी कर होती है जब पैसे जब खाते रहते खाते रहते सही, जब पैसे देने की बारी आती तो मुझे समझ नहीं आती। मैं कौन सी शादी जिसमें मैंने शरणाई छोड़ी हो, कोई दंगा फसाद किया हो, कोई मसला बनाया हो, बच्चे तेरे जैसे। लेकिन ये है कि इसकी शादी में तू जरूर ऐसा करना। इसकी शादी अगर हो गई तो इसका ये भी बात है, हुई तो इसकी हुई भी ना किसी लड़के से ही होनी। ये भी हो सकता है पाकिस्तान में ऐसा का कानून पास हो और ना इस बेचारे का। मेरी नजर किसके ऊपर है वो भी तो भाई साहब देख रहे हैं। इसके ऊपर मत रख देना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बना के बहुत है, मेरे तो मुझे पिछले भी बड़ी है भाई। क्लीन शेप ये चिकना खूबसूरत लड़के से क्या शादी है? लड़के से कौन सी शादी, लड़के से कौन सी शादी होती है? तेरा खान आ गया तो कानून उसने यही पास करना है। खान इन कामों के खिलाफ है। क्यों? खान ये लौटे वाले खान सबसे ज्यादा करता है। वो क्या बोल रहे हैं? खुदा का नाम है, खुदा का नाम है। मुझे जाते ही अच्छी इतनी 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 प्यारी वीडियो है, ये कचरा मत करना खुदा का। भाई वो ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी गलती हो गई। लेकिन भाई साहब शादी बहुत कमाल की थी और जोड़ी ऊपर वाले ने मैं कहता हूँ वो बैठ बैठ के उतरे जिसे खूबसूरत से बनाया, दोनों ही बहुत खूबसूरत थे भाई। तो भाई साहब जो खाने में वो भी कितनी मेहनत करते हैं। आज कोई ऐसा काम होता ना भाई, देखने वाले जो टीवी में देख रहे हैं उनको भी कुछ नहीं आता। हाय हाय सही बात है। पानी पानी आ रहा था भाई मुंह में, खाने लजीज खाने, स्पाइसी थे खाने, उनकी जो भी एटमें बन रही थी ना भाई साहब एक से बढ़कर दिख रहा था, दिख रहा कारीगर भाई साहब कमाल। अच्छा मजे की देखो, गोश्त वाले उन्होंने वही बुलाए हुए थे, फ्रेश मीट भाई। इधर गोश्त हो रहा तैयार, हो इधर नाल ही तैयार है इधर। ये तो मेहंदी की रात के है ना, इतने 15 डिशेज थी उसकी, वो 35-40 डिशेज थी भाई साहब, 25 थी। अच्छा वो कैसे इसके 36 के उन्होंने लकड़ियों में बनाए हुए, लकड़ी भी जलती रहेगी साथ में, चूल्हा भी काम चलता रहेगा उसका भी सेक आएगा, तो ये और भी ज्यादा बढ़िया। और उनकी देखें छोटी छोटी थी ना। हाँ ये है बिल्कुल,
मतलब बहुत अच्छे से सजाया गया और फैमिली बहुत सुलझी भाई, समझदार फैमिली लग रही थी जी। और बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया था। एक होता ना ज्यादा ओवर हो जाता है, वो भी नहीं था, वो भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सीधा साधा जो होता है वो वाली डेकोरेशन थी जी। और शादी बहुत प्यारी थी भाई। और सर सर जब मेहमान आते हैं तो उनकी नजर तो खाने पे ही होती है, हमारा जैसे लोग जो थे। मुझे तो ये कैमरा वाला भाई की फैमिली के फर्क लगता है, तो फैमिली के जो भी है या दोस्त यार होगा या कुछ लोग दोस्त होगा, मुझे तो देने जो फैसला होता है ना, कुछ लोग जो वीडियो बनाने के लिए परमिशन ले लेते हैं तो उनको लोग जो है बड़े लोग भी इजाजत नहीं होती है, वैसे होता है। लेकिन जिस तरह उसका बोलने का अंदाज चलने का अपनी फैमिली का कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ लोग दे देते हैं। बनाने बहुत मेहनत की, बहुत टाइम निकाला, तकरीबन दो तीन दिन तक उधर मिस्टेक है जिसमें भाई तीन दिन तो शादी होती है। इंडिया में तो अब ये भी सिस्टम चल गया भाई साहब, अपनी शादी में बुलाओ गोरे, क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं इंडियन शादी को अटेंड करने के लिए। अच्छा, गोरे शादी देखने आते हैं और वो पैसे पे करते हैं शादी को अटेंड करने के। हाँ अच्छा, तो भाई साहब कल्चर, रिच कल्चर का यही तो फायदा होता है, ये तो मजा है कि एक तो शादी में आया ऊपर पैसे भी देने। हाँ जी, वो पैसे देने। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो पाकिस्तानी को नबीना था, वो एक दर्जी के पास गया, उसने बोला कि मेरी शादी है का मेरा और मेरी वालदा का सूट कोई बदखोई करेगा। नहीं 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 भाई साहब, सूट सिलवाना, उसने बोला भाई साहब सिर्फ दो को, उसने बोला यार मैं नबीना गरीब मेरी शादी में कौन आएगा। अच्छा, उसने उसकी वीडियो बना ली उस दर्जी ने, हाँ उसकी अपलोड करी और सऊदीया से और इस तरह के दो तीन कंट्री और मुस्लिम उधर से भाई साहब वो उधर से बड़े बड़े लोग आए, कसम मतलब उसने यूट्यूब पे चला दी, आपको दर्जी ने यूट्यूब पर चला दी ना, वो वायरल होगी। तो वो उधर से आए और घोड़े कारें गिफ्ट उसको मिले ना भाई साहब हनीमून के लिए, उसको भाई साहब ऑफर देगी कि आप कौन सा कंट्री में जाना चाहते हैं। अगर कोई बंदा दुखी है तकलीफ है तो उसकी भाई साहब देखो उस बंदे को कितनी खुशी मिली है, असल खुशी देने वाला तो वो दर्जी है ना, घोड़े कारे भाई साहब जितने अल्लाह ने मतलब सोच उसको दी, उसने को पैगाम पहुंचाया और उसकी खुशी में वो माम आ गई। बढ़िया, चांद लग गए, मतलब ये कि अच्छे लोग अभी भी जिंदा है, पहले तो मायूस था ना, सारी दुनिया में है भाई, कोई एक आधी कंट्री सारी दुनिया में अच्छी इंसान बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया थी भाई वीडियो। और खाने कबाब, फिर हमारी बात खानों पे आ जाती है, गरीब गरीब तो हम है भाई, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भी बोलता है। नहीं भाई रुको, तू तो खुदा का नाम है सियासत से दूर, तुम कटोरे वाले हो भाई साहब, तुम तो बैठ जाओ, हम कटोरे वाले नहीं भैया, सियासत से दूर, हम तो झोली वाले हैं, जोड़ी में ज्यादा आ जाता है ना भाई साहब, मांगना तो मैं ज्यादा ही मांग ले, तो फिर थोड़ा क्या मांगना हुआ। अच्छा आपको ये मतलब है, ये भी हमें भलीमा और जानी भी देखनी पड़ेगी। हाँ बनता तो है, बनता है यार, बनता और भी किस तरह दुल्हन गया दुल्हन के घर और फिर किस तरह दोस्तों यारों का मिला भलीमा हुआ, क्या कितनी एटमी थी, बनता है प्यार मोहब्बत देखना पड़ेगा। हमारी शादी में अच्छा सेम टू सेम कल्चर यही हम भी अपनाते हैं, मिठाई मिठाई चलती है, लेकिन इनके कल्चर में ढोल नहीं देगा, अरे मिठाई फैमिली देख ले, फैमिली तो देख रहे तो फैमिली में मिठाई नहीं चलता, ढोल नहीं देखा हो सकता है, जान जाएगी दूल्हे की बारात जाएगी उसमें ढोल हो जाए, ढोल नमके वाली बारात में होगी, वो बैंड है ना ढोल का, ढोल भाई साहब हम बोलते हैं ढोल, वो बोलते हैं बैंड, वो ढोल बैंड बजाते हैं, चलो देखेंगे भाई उसके अंदर क्या होता है, चलो जी देखते हैं क्या होता है। और खाना बड़े अच्छे अंदाज में परोसा क्या भाई, हकीकत आंखों से हटी नहीं रहा यार, खाना तैयार भी कमाल है, इस तरह का बनाया एक्ट में रखे, या तो इस तरह करते हैं ना, हम भी बनवाते हैं इस तरह के खाना। हाँ ये चीज अच्छी, सारे मिल के खर्चा करके इस तरह बनवा, कुछ हमारे खर्चा सारा तू करेगा बनवाऊंगा मैं, ऐसा कर ले ऐसा करो, हाँ कश्मीर का वादा करो, खाने मैं करवाऊंगा, नहीं वो तो कर दिया, घूमने चल ठीक हो गया, खाना उधर 8 दिन रहो 10 दिन रहो, खाना मेरे जिम्मे, ठीक हो गया, रहने की रहस भी मेरे, चलो ठीक हो गया भाई।
तो देखते हैं भाई क्या होता है, यकूब हमारे साथ क्या करता है, ऐसा ना उधर भैया इमरान खान की तरह नीले आसमान के नीचे सुला दे कश्मीर तो आजाद है, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं, आजाद नहीं है, तो ठीक है भाई मिलते हैं साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।